नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, आज जिस विषय पे हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं वो है एआरओ एग्ज़ाम का स्टेज 2। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो टाइपिंग में आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो लोग अपनी टाइपिंग पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि पहले एंट्रेंस निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, कि एंट्रेंस निकल जाएगा तो टाइपिंग तो हो ही जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आपका रिटन लगभग हो जाता है और आप टाइपिंग में अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों वाकई इसमें कोई दोराय नहीं है कि टाइपिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। टाइपिंग करना आसान है और उसको जो भी उसका क्या नाम है, टाइपिंग की कैटेगरीज हैं, मान लीजिए 40 50 जो भी है, वहाँ तक पहुँचना भी आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है टाइपिंग में वो होती है आपका मन लगना। जी हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत टाइपिंग की यही है कि हमारा दिल नहीं उसमें। आप पता क्या होता है कि हमने टाइपिंग करनी स्टार्ट करी और साहब एक दिन तो बहुत अच्छे तरीके से करी, दूसरे दिन करी बट उससे थोड़ी कम करी, तीसरे दिन और कम करी, चौथे दिन गैप कर दिया, पांचवें दिन गैप कर दिया, फिर याद आया अरे यार एग्जाम आने वाला है, फिर लग गए। तो उससे क्या होता है, हमारी टाइपिंग जो होती है मतलब एक सही तरीके से तैयार नहीं हो पाती। और नतीजा ये आता है कि जब टाइपिंग में पेपर होता है, एग्जाम होता है, वहाँ पे हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो भी लोग हैं जो कि एआरओ की जो स्टेज 1 की कट ऑफ है और उसमें 140 से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से मान के चलता हूँ मैं, तो उन लोगों को स्टेज 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। और उनकी जो टाइपिंग है, जो बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उनकी 25 टाइपिंग आ रही है इस वर्ड पर मिनट की, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है मैं बता रहा हूँ आपको। आप जो भी टाइमिंग दे रहे हो अपने आप को टाइपिंग करने के लिए, उसमें रेगुलरिटी रखनी है। खाना मत खाओ एक टाइम पर, चाहे कुछ मत करो, लेकिन अगर आपने सोच रखा है कि आपको 4 से 5 घंटे टाइपिंग करनी है और जो टाइम दे रखा है उस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग ही करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप टाइपिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी वहां तक नहीं हो पाएगी। स्टेज 2 का टाइम बहुत कम है दोस्तों, टाइपिंग में जुट जाइए। आपका दिन शुभ हो यही कामना करते हैं हम। धन्यवाद।